सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट की चुनाव आयोग पर हत्या के आरोप वाली टिप्पणी पर कहा है कि यह टिप्पणी कठोर और अनुचित थी। कोर्ट ने कहा कि मद्रास हाई कोर्ट की टिप्पणी जजमेंट का पार्ट नहीं थी। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की याचिका पर आदेश देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि जजों को संयम बरतने की जरूरत है, अदालती कार्यवाही में सख्त और कड़ी टिप्पणी की जरूरत नहीं है। अदालतों में खुली पहुंच संवैधानिक स्वतंत्रता के लिए एक मूल्यवान सुरक्षा है। प्रेस की स्वतंत्रता बोलने और अभिव्यक्ति की संवैधानिक स्वतंत्रता का एक पहलू है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मीडिया को अदालती कार्यवाही के बारे में टिप्पणी करने और लिखने का अधिकार है। इस तकनीकी दुनिया में मीडिया को रोकना न्यायपालिका के लिए अच्छा नहीं होगा, वो भी तब जब सोशल मीडिया के जरिए सूचनाएं चारों ओर टेलीकास्ट हो रही हैं और न्यायिक भाषा का ध्यान रखना जरूरी है। कोर्ट ने कहा कि भाषा हमारे जीवन में संबंधों की गरिमा बनाए रखने में बड़ी भूमिका अदा करती है। कोर्ट ने चुनाव आयोग की महिमा, जिम्मेदारी और उसके पालन की सराहना की। साथ ही कहा कि आयोग की शिकायत वैसे तो हाई कोर्ट के रिकॉर्ड पर नहीं है। कोर्ट ने इस नसीहत के बाद आयोग की याचिका का निपटारा कर दिया। कोर्ट ने कहा कि जो चीज रिकॉर्ड में नहीं है उसे डिलीट या रिमूव करने का कोई अर्थ नहीं है। हमारी आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं श्वेता चौहान, पंजाब केसरी, दिल्ली।